मुरैना जिले में 35 दिन के लॉकडाउन के दौरान हानिकारक गैसों की मात्रा में 50% की कमी देखने को मिली है। इसका लाभ भी मानव जीवन को होता दिख रहा है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने के कारण कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा। इसका तुलनात्मक अध्ययन मुरैना के प्राणी वैज्ञानिक डॉक्टर विनायक सिंह तोमर ने किया है। मुरैना शहर के प्रमुख स्थानों पर कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सहित पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा सामान्य से दुगनी थी, जो कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान 50% तक कम हो गई है। मुरैना में औद्योगिक इकाइयों तथा वाहनों के आवागमन के बंद होने का असर वातावरण पर देखा जा रहा है। शहर के बैरिया चौराहा, हनुमान चौराहा, जीवाजगंज तथा बड़ोका क्षेत्र में वैज्ञानिक डॉक्टर विनायक सिंह तोमर द्वारा जांच की गई। लॉकडाउन खुलने के 2 माह बाद तक इसी प्रकार का वातावरण रहने की संभावना है। जीवाजगंज क्षेत्र में प्रदूषण बिल्कुल समाप्त हो चुका है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर ऑक्सीजन वायरस का प्रभाव कम होगा, क्योंकि इससे मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। देखिए मुरैना से हमारी सबसे खास खबर। क्या है, लॉकडाउन से लगभग 4-5 माह पहले नवंबर 2019 में मैंने मुरैना के लगभग 4-6 इलाकों का सैंपलिंग किया था, या सैंपलिंग सर्वे किया था, और उस समय डाटा एनालिसिस में मुझे जो रिजल्ट प्राप्त हुए थे उसमें मुरैना का जो गैसों की सांद्रता थी वो मानक स्तर से 2.3 गुना ज्यादा पाई गई। उस स्थिति में हानिकारक गैसों की सांद्रता इतनी ज्यादा थी कि हम ये मान सकते हैं कि मुरैना की हवा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं थी, और यहाँ की आओ हवा में कई जहरीली गैसों की सांद्रता बहुत ज्यादा थी। उस स्थिति में लोगों को घरों के अंदर ही सुरक्षित रहने में मुफीद था। लेकिन अभी हमने परसों जो एयर सैंपलिंग की, सर्वे किया, डाटा एनालिसिस किया, उसमें बड़े आश्चर्यजनक आंकड़े हमको देखने को मिले। जैसे मुरैना का जीवाजीगंज इलाका है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, ये 5 कंटेंट एयर के हैं। इनकी डाटा एनालिसिस की तो उसमें जो रिजल्ट सामने आया है वो बिल्कुल मानक स्तरों के अनुरूप समतुल्य हो गए हैं। तो ऐसे स्थिति में माना जा सकता है कि मुरैना का जीवाजीगंज इलाका वो इलाका हो गया जहाँ की आओ हवा बिल्कुल मुफीद है, स्वच्छ है और प्रदूषण रहित हो गई है। इसी प्रकार हमने हनुमान चौराहा, बड़ोखर और बैरियर चौराहा, इन 3 जगहों पर एयर सैंपलिंग की, तो ओवरऑल जो परसेंटेज है मुरैना में 50 से लेकर 55% तक हानिकारक गैसों की सांद्रता में कमी आई है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि लॉकडाउन से वाहन प्रतिबंधित हुए, तमाम फैक्ट्रियां प्रतिबंधित हुई, और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें 2 ही प्रमुख रहते हैं, एक तो रहता है वाहन और दूसरे रहते हैं उद्योग। तो इस स्थिति में अगर ये माना जाए कि लॉकडाउन का मानव जीवन केवल पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, मानव जीवन पर इसका सकारात्मक पर दूसरे पहलू से देखें, लोग उसको समझ नहीं पा रहे कि इससे क्या हुआ कि फेफड़ों की जो सक्रियता है वो 27 से 28% तक बढ़ गई। उसका परिणाम ये निकलेगा कि फेफड़ों के लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं जो 11 से 17% है उनमें प्रॉपर एयर सप्लाई हो ही नहीं पाती, तो 9% फंक्शनल हो जाएंगे। तो इससे नेचुरल रूप से शरीर में एंटीबॉडी के संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगी। ये बहुत ही सकारात्मक कहना चाहिए इशारा है, संकेत है मानव जीवन के भविष्य के लिए। ये जो